तू क्या उठा के मारने वाली थी? मारा तो नहीं, मेरे हाथ ये तो यू आर She did not like the way I spoke to her. I thought which was fine, like you know, those three beats which चलता है, like you know me being a little rude and in this type of situation. Hi guys. Hi. आपको कुछ समझ आ रहा है? कुछ पता चल रहा है? मेरा एक्स मेरे आगे खड़ा था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। आई एम ब्लैंक, कुछ समझ नहीं आ रहा है अभी। कुछ नए चेहरे हैं, कुछ पुराने चेहरे हैं। पुराना चेहरा कौन सा है? Which one? दिग्विजय। तो मैंने उनकी शक्ल देखी, उनकी शक्ल उतर चुकी थी बिल्कुल। Then I got to know, guys, I had to know on my game now because मेरे कनेक्शन की एक्स आ चुकी हैं और अब चीजें गर्म होने वाली हैं। तो आपका कनेक्शन किसके साथ था इशिता? दिग्विजय। नहीं, स्प्लिट्स विला में अनिकेत के साथ था। Would you like to go on a date with me? अनिकेत है टिकिला के एक्स। या ही टोल्ड मी अबाउट यू। वैसे डिकिला, इन दोनों का कनेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आई डोंट बिलीव दैट, क्योंकि शुरू हो रहा था, क्योंकि इज वेरी डीसेंट गाय, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसे किसी से भी बात नहीं की विला में आके। हाँ, मुझे पता है। हाँ, मतलब किसी से भी नहीं की और बट एक सेकंड इशिता, वो तो शो छोड़ के जाने के लिए रेडी था ना व्हेन यू गॉट टर्म। या तुम्हारा दिमाग घूम जाता है कि भाई ऐसा क्या चल रहा है स्प्लिट विला में, इतना प्यार व्यार हो गया है क्या? दो तीन दिन में ही लोगों की भाई शो छोड़ने को तैयार है लोग इशिता के लिए। हाँ भाई, दो दिन में तुझे प्यार हो गया ना, मेरा रहेगा, मेरा रहेगा। तेरे अपने एक्स तो संभाले नहीं गए, मेरा रहेगा। मेरा कोई एक्स ही हो। अरे जो भी हो, हाँ वो तो नहीं पता है तो एक्स्ट्रा मत, ध्यान रख। ठीक है, देखो इशिता, इस विला में अपनी जगह खुद ही बनानी होती है। अभी नहीं बना पा रही हो तो तुम्हें साइड में ही खड़ा होना पड़ेगा। तपाई वाली चीज हो जाएगी ना, चल पा रहे हो? कांट टच यार, चिल। अभी आप बोल रहे थे कि ये सब मत करो। अरे भाई, वो तो लड़ने लग गई, उसने दिग्विजय को ऐसे टाइट पकड़ लिया कि नहीं नहीं नहीं, डोंट टच। सीरियसली दिग्विजय, यू आर डू दिस? तो तू पहले भी मुझे समझा रहा था ना, उसे भी समझा के साइड में कर सकता है। अभी फॉर्मेट में बोला ना, मैं क्यों करूं उसे साइड? ठीक है, पर उसने उन्होंने बोल दिया कि आप साइड में खड़े हो सकते हो, कोई बात नहीं है। इधर आ जाओ इशिता, इधर आ जाओ। मुझे इशिता यार छोड़ दे, काम कर रहा है। पिंग पिंग अपन मैच तो यार हमारी टीम में आओ। बढ़िया तो है, बढ़िया मैचिंग मैचिंग। इतना गलत ट्रीट तो मत यार। अरे सचिन, तू उधर दूर रह से। उसने आकर पहले मुझे किया। मैंने कोई भी रियलिटी शो आज तक देखा नहीं है और मुझे किसी कंटेस्टेंट के नाम भी नहीं पता। मैं जब से यहाँ आई हूँ तब जाके मुझे पता चला है कौन से। बट आपको शिवित के बारे में तो पता था? नहीं, शिवित के बारे आप ही नहीं बोला था। आई टेल यू शिवित के बारे में कैसे पता था। अनिका को पता था ऑलरेडी टू कंटेस्टेंट्स आ रहे हैं यहाँ पर, उन्होंने मुझे प्रोफाइल दिखाया था कि ये और ये आ रहे हैं। अनिका, इफ यू वांट द रियलिटी नाउ, आई विल शो यू। एक सेकंड। अब वैशाली बोल लिया, उसे पता था, तुम्हें नहीं पता तो वो आ रहा है। कौन? हम सभी सुन के काफी ज्यादा हैरान थे क्योंकि उसने बोला था कि मैंने ही यहाँ की कनेक्शन बनाया। आइडिया मैच, आप एक एक करके यू आर गोइंग टू चूज 5 गर्ल्स ऑन ईच टीम एंड 5 बॉयज on each team. मुझे रुशाली की टीम में नहीं जाना है because अभी हमारी भसड़ हुई है और मुझे वो भसड़ को और नहीं बढ़ाना है। So we'll start with ladies first. Rushali. मैंने smartly ये move लिया that I will choose Shobhika, Kashish, Nidhi and Ameha. तो मैंने choose किया आकृति को
अनिका को और खनक को, क्योंकि तीनों बेस्ट फ्रेंड हैं और ये तीनों सबसे ज्यादा ग्रुपिज्म करके बातें करते हैं। देवांगनी और एरिका, दे वर माय फ्रेंड, तो मैंने उनको चूज किया। ओके खुशाली बॉयज, आई विल चूज एडी, जसवंत, देव, युवराज एंड अनिकेत। मैंने चूज किया शिवित को, अरबाज को, आदित को, और गलती से बाय डिफॉल्ट, किस्मत खराब हो तो ऊंट पे बैठे इंसान को भी कुत्ता काट जाता है, तो वही है, आयुष्मान आ गया हमारी टीम में। I had sex with more than one person on the same time. इंसान से गलतियां होती है, वो उसी से सीखता है। उसके साथ एक साथ हो गई है ना, दो तीन सिचुएशन बहुत फनी हो गई थी और अनिका का चेहरा देखने लायक था। जज तो करूंगी ना फिर मैं इसको। तब तुम थी नहीं ना। तो द क्वेश्चन इज इट अ गुड जज और अ बैड जज? बैड जज ऑफ कोर्स। मन तो कर रहा था चाटा मार दूं खींच के, बट ठीक है, सबका पास्ट होता है, अभी प्रेजेंट में वो मेरे साथ है, पास्ट को छोड़ देना चाहिए हमें। मेरी तो मार चुकी है। अरे शेर आया, शेर, शेर आया, शेर। यार मेरे को टास्क ही नहीं समझ में आया यार। सनी मैम बहुत ही क्यूटली मेरी नकल कर रही थी, शेर आया, शेर आया। अरे शेर आया। भाई तीन एक, चल क्या रहा है, कैप्टन है भाई। अपने ऊपर तो मुझे ऐसा लगा कि वो चिल्लू भर पानी में ना डूब मरूं अभी, मतलब बेइज्जती हो गई यार खत्म से। शेर, उसको सीक्रेट दे। विशाली या कान बंद कर ले बेटा, मैं रेडी हूँ। मेरे को बस यही थी कुछ ऐसा ना हो, क्योंकि आई एम वेरी इमोशनल, आई एम वेरी सेंसिटिव, तो मुझे होता कि यार कुछ ऐसी चीज ना हो कि वो मुझे हर्ट कर जाए। मेड आउट विद टू कजन्स ऑन द सेम नाइट। इसमें तो सबको भाई और बहन बुलाती है। नाउ अंडरस्टैंड। क्या लुच्चा निकला यार। तेरी कजन तो नहीं थी? अबे मेरी कजन नहीं थी, वो दोनों कजन थी। एक्सप्लेन तो कर ले। मैं छोटा बच्चा था उस टाइम। विशाली ओके? आई वाज नॉट विद हिम एट दैट टाइम, सो आई मीन आई कैन जस्ट वाउ दैट ही डोंट रिपीट द मिस्टेक। व्हाई डू यू हैव मेनी कजन्स? Everybody was laughing on this because उनको मजाक लग रहा था, but how can he even do that? I mean, ठीक है, I'm not judging him. It's his past life, but still थोड़ा सा बुरा लगता है। I don't think so, ये सच है। Are you sure? If अगर होता तो मैं ये चीज़ पहले बताती यशवंत से। So you're denying what's on the card? Yeah. ये मेरा सीक्रेट नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने ऐसा काम कभी नहीं किया अपनी लाइफ में, और मैं इस चीज को लेके अब बहुत कॉन्फिडेंट थी। It's correct information though. But I don't believe this. How can it, you know, I don't know. I got a little concerned to be very honest. I was like, ये क्या है जो she doesn't want to tell anyone, especially me. तो मैं बहुत curious हूँ कि ये क्या है वैसे भी. So it's on the card. You're saying it's not true, but the other side needs to read what's on the card. Within a seconds क्या हुआ है we don't know, but हमने देखा अरबाज और देवकरण की कुछ fight चल रही है, लेकिन वो round खत्म हो चुका है। वो दोनों भूल गए कि ये एक fun challenge है, और उन्होंने इसको literal कुश्ती का अखाड़ा बना दिया, जहाँ पे absolutely untrained बच्चे अपनी गर्मी शांत कर रहे थे। What is this bro? His nose is bleeding, doctor. Please, ये कौन सा रोकने का तरीका है? मैंने पीछे देखा कि युवराज अपनी नाक पकड़ के ऐसे बैठा हुआ था। मैं ऐसे स्टन हो गया था, स्टिफ हो गया था कि क्या चल रहा है। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि भाई हो क्या रहा है ये। धक्का नहीं देना था आदि। तूने मैंने धक्का नहीं, मैं सीधा भागा हूं, उसने सर मारा। मेरे को एक रियलाइज हुआ था भागते हुए, देयर वाज एन इंपैक्ट, पर ऐसा तभी आई वाज लाइक ओह शिट, एंड मेरे गर्दन में दर्द स्टार्ट हुआ, मैं बस लेट गया। वैसे फ्लोर पे इतने पेन में था, मैंने उसको काम डाउन किया, मैंने बोला इट्स ओके, डोंट वरी, मैं हूं तेरे साथ। यू आर ओके? ठीक है, तेरा ये लगा रहे हैं। हां, हिस योर नोज इज आल्सो, चेक इट आउट, सूजी है क्या? हां, इट्स द कलर हैज चेंज्ड। जैसे ही अरबाज हमारी तरफ देखता है, हमें दिखता है कि अरबाज की नाक टेढ़ी हो चुकी है, जो कि देख के सबका दिमाग घूम चुका था। शिट,